असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम क्राम दिस इज़ दी थर्टी नाइन्थ लेक्चर इन ए सीरीज ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप चला अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे हमने पहले शुरू किया था ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर पर डिस्कशन की थी उसके बाद हमने uh, जो था एनालिसिस स्टेट मशीन्स पर बात की थी आज हम बेसिकली डिस्कशन शुरू करेंगे मेमरी पे मेमरी क्या होती है कहाँ इस्तेमाल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है इससे पहले कि आप मेमोरी पे डिस्कशन शुरू करें आइए पिछले लेक्चर को ज़रा रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू कर रहे थे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर पे। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का जैसे हमने सर्किट देखा था दो गैल डिवाइस के साथ इम्प्लीमेंट किया था पहली जो गैल डिवाइस थी उसको हमने प्रोग्राम किया था एज ए सीकुनशल स्टेट मशीन बेसिकली जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की डिफरेंट स्टेट्स हैं आठ स्टेट्स हैं उनको हमने प्रोग्राम किया था इसके इनपुट पे जैसा कि आपको याद हो सिग्नल्स uh, थे दो इनपुट सिग्नल्स थे जो सेंसर से आ रहे थे और दो इनपुट सिग्नल्स थे जो टाइमर से आ रहे थे आउटपुट पे हमारे पास चार सिग्नल्स थे तीन जो थे स्टेट वेरिएबल्स थे जिनसे हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट है आठ में से कौन सी स्टेट है और एक आउटपुट था जो कि रीसेट कर रहा था टाइमर को रीसेट कर रहा था अगेन आपको याद हो Uh, दो स्टेट्स ऐसी थी जिनमें हम टाइमर को रीसेट करते थे एक नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट थी और ईस्ट वेस्ट uh, जो थी येलो टू ये दूसरी स्टेट थी सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इन दो स्टेट्स के लिए जब रीसेट सिग्नल को आप डीएक्टिवेट uh, uh, करते हैं जो कि टाइमर को रीसेट कर देते हैं इसकी हमने इक्वेशन लिखी थी इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो दूसरा गैल है बेसिकली उसको हमने एज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट के तौर पे प्रोग्राम किया है उसका काम क्या है इनपुट पे वो स्टेट्स जो हैं थ्री स्टेट वेरिएबल्स जो हैं Q0, Q1, Q2 जो हैं उनको देखते हैं और उनकी मदद से आउटपुट पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ग्रीन रेड येलो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए उनको ऑन या ऑफ़ करता है सो so बेसिकली जो दूसरा गैल था जो कॉम्बिनेशन सर्किट के तौर पर हमने प्रोग्राम किया था उसके पिन डिस्क्रिप्शन थी उसमें एकजन्स हमने डिफ़ाइन की थी कि इनपुट पर ये स्टेट हो तो आउटपुट कैसी होगी सो बेसिकली ये हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया था इसके बाद हमने डिस्कशन डिस्कशन जो थी वो शुरू की थी जो है एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशल स्टेट मशीन्स जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम बात करते आ रहे हैं अभी तक कि डिज़ाइन कैसे करना है हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स हैं कि आपने काउंटर बनाना है जो आप काउंट करें या डाउन काउंट करें या एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाना है या कोई और चीज़ बनानी है तो बेसिकली हम उसका एक स्टेट डायग्राम बनाते हैं स्टेट डायग्राम से हम एक स्टेट टेबल बनाते हैं स्टेट टेबल के आ, के बाद हम जो है एक इनपुट टेबल बनाते हैं जो बेस्ड होता है कि कौन सा हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं इनपुट जब टेबल हो आ जाता है वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम कार्न ऑफ मैप में डालते हैं उधर से इक्वेशंस आती हैं और सर्किट हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है अगर आपके पास सिक्वेंशल स्टेट मशीन का सर्किट हो अब कैसे मालूम करेंगे कि ये क्या काम कर रहा है काउंटर है या ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है या एलिवेटर कंट्रोलर है सो so बेसिकली उसको कहेंगे एनालिसिस एनालिसिस हमने ये कहा था कि तीन स्टेप्स हैं पहला काम आपने ये करना है कि जो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन है वो डिटरमिन करनी है और आउटपुट इक्वेशन जो है वो डिटरमिन करनी है सो so ये दो इक्वेशन डिटरमिन करनी है ये दो इक्वेशन जब डिटरमिन हो जाएंगी तो उससे आप एक स्टेट टेबल बना लेंगे जब स्टेट टेबल आ जाएगा उससे आपके पास एक स्टेट डायग्राम आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट जो इक्वेशन है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और एक्सटर्नल इनपुट क्या है सो so, जो जो फंक्शन होगा नेक्स्ट स्टेट का इट वुड डिपेंड ऑन दी प्रेजेंट स्टेट एंड द एक्सटर्नल इनपुट इसी तरह जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट पे जो स्टेट है वो और जो एक्सटर्नल इनपुट है सो अगेन आउटपुट फंक्शन जो होगा प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड करेगा ये दो फंक्शंस जो हैं बेसिकली हमने दो एग्जांपल्स की थी एक डी फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड थी और एक शायद जे के फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड थी तरीकाकार हमने क्या इस्तेमाल किया था हमने ये कहा था कि जो भी नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस आ रही हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं कि कौन सा हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं सो so, हम फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इंटरेस्टेड थे फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली क्या है याद होगा आपको जब हम अगेन सिक्वेंशल मशीन स्टेट मशीन इंप्लीमेंट कर रहे थे हमने ट्रांजिशन टेबल यूज़ किए थे सो लेट्स से जेके फ्लिप फ्लॉप है या डी फ्लिप फ्लॉप है उसका हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया था उसकी मदद से आगे हमने प्रोसेसिंग की थी यूज किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वो बेसिकली आपको बता रही है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी फ्लिप फ्लॉप की कैसे हम अपटेन करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं बेसिकली जो ट्रांजिशन टेबल हमने यूज़ किए थे उनको अगर आप कार्न ऑफ मैप में मैप uh, कर दें इंफॉर्मेशन को डाल दें और उधर से जब बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा दैट वुड बी बेसिकली दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टू एग्जांपल में डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए थे जे के फ्लॉप यूज़ किए थे तो हमें करैक्टरिस्टिक इक्वेजन चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप की और जे के फ्लॉप सो so, जब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है उसके साथ आगे हमने क्या करना है बेसिकली करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से हम एक ट्रांजिशन इक्वेशन बना रहे हैं ट्रांजिशन इक्वेशन बेसिकली है क्या सर्किट में अगर आपको याद हो हमने एक्साइटेशन इनपुट्स जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके इनपुट पे कुछ एक्साइटेशन इनपुट्स आ रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट की मदद से जनरेट हो रहे हैं सो बाय लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन सर्किट्स आप जो है एक्साइटेशन इनपुट्स डिटरमिन कर सकते हैं ल से आपका डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई या जे के फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई उसमें जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो एक्साइटेशन जो आपके पास इनपुट है वो आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास एक ट्रांजिशन इक्वेशन आ जाएगी ट्रांजेक्शन इक्वेजन का उसका जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली एक ट्रांजेक्शन टेबल बना देंगे ट्रांजेक्शन टेबल इट्स वेरी सिमिलर टू दट टेबल जो आपने पहले देखा हुआ सो ट्रांजेसन टेबल जो है डायरेक्टली स्टेट टेबल बन गया स्टेट टेबल बेसिकली आपको बता रहा है कि प्रेजेंट स्टेट ये है नेक्स्ट स्टेट क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल इनपुट्स ट्रांजेसन टेबल जो है स्टेट टेबल में जब चेंज होता है तो साथ में आउटपुट को भी हम एक आउटपुट कॉलम भी डिफाइन कर रहे हैं कि आउटपुट जो है अगर प्रेजेंट स्टेट ये है एक्सटर्नल इनपुट्स ये हैं तो आउटपुट क्या होगा स्टेट टेबल के बाद जो लास्ट स्टेप है बेसिकली स्टेट डायग्राम है So, आपने देखे थे दो हमने स्टेट डायग्राम बनाए थे पहला ही जो एग्जांपल थी दूसरी एग्जांपल थी तो बेसिकली सीक्वेंशियल स्टेट मशीन की जो एनालिसिस है वो इस तरीके से हो रही है आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं मेमोरी से मेमोरी बेसिकली क्या है मेमोरी जैसे हम पहले डिफाइन करते आ रहे हैं एक स्टोरेज स्पेस है कोई चीज़ स्टोर करनी है कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप मेमरी को यूज़ कर रहे हैं मेमोरी हम यूज़ करते आए हैं सिक्वेंशल सर्किट्स में सिक्वेंशल सर्किट में हमने बताया था कि एक जो एसेंशियल एलिमेंट है बेसिकली मेमोरी है और दूसरा एसेंशियल जो एलिमेंट है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है मेमोरी कैसे इमिजमेंट की थी बेसिकली फ्लिप फ्लॉप की मदद से फ्लिप फ्लॉप जो थे बेसिकली एंड गेट्स थे या नॉर्ट नैंड गेट थे या गेट्स थे जिनको आपस में कनेक्ट किया हुआ था फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट को स्टोर कर सकता है या जीरो को स्टोर करेगा या वन को स्टोर करेगा सो so, ये तो हो गया एक फ्लिप फ्लॉप और सिक्वेंशल सर्किट्स में फ्लिप फ्लिपशॉप यूज किए थे या मेमोरी एलिमेंट यूज किया था बेसिकली कुछ बिट स्टोर कर रहा है मतलब बाइट्स में या किलो बाइट में स्टोर नहीं करेगा हर स्टेट को डिटर्मिन करने के लिए हमें स्टेट वेरिएबल्स चाहिए स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली एक फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट हो रहा है सो so, अगर आपके पास सिक्वेंशल सर्किट में चार स्टेट वेरिएबल्स हैं चार फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज करेंगे सिक्वेंशल स्टेट मशीन के अलावा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको मेमोरी चाहिए क्यों चाहिए बेसिकली जो आप प्रोग्राम एक लिख के एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम कहाँ पड़ा हुआ बेसिकली मेमोरी में पड़ा हुआ है अब जो प्रोग्राम uh, है उसमें अच्छी खासी काफ़ी लंबा सारा प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट उसका बहुत सारा पोर्शन या कुछ सेट ऑफ़ जो हैं वो मेमोरी में मौजूद हों सो दैट मीन्स आप सिंपल एक फ्लिप शॉप से आपका काम नहीं होगा या चार पाँच फ्लिप शॉप से काम नहीं होगा आपको अच्छी खासी मेमरी चाहिए जिसमें एक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम रिजाइड कर सकें सो बेसिकली दोेंशल रिक्वायरमेंट्स हैं मेमरी की डिजिटल लॉजिक में एक सिक्वेंशल so सर्किट के लिए और एक जो है जनरल कम्प्यूटेशन के लिए जहाँ आपका इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हैं वो स्टोर होंगे अब मेमोरी में डाटा जो है किस तरह ऑर्गेनाइज़ हो रहा है उसका साइज़ क्या होगा बेसिकली क्या एक बिट की इंफॉर्मेशन होगी चार बिट की इंफॉर्मेशन होगी आठ बिट की होगी सोलह बिट की होगी बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो मशीन है जो डिजिटल सिस्टम है जो इसको यूज़ कर रहा है इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन कितने साइज़ की है उसके पास एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जो हमने एक अप एंड डाउन काउंटर बनाया था अप एंड डाउन काउंटर का एक एक्सटर्नल इनपुट था जिसको हम कह रहे थे एक्स अगर वो जीरो कर देते हैं तो शायद वो अप काउंट करता है और अगर वन कर देते हैं तो वो डाउन काउंट करता है लेट अस सपोज़ कि आपने एक अप एंड डाउन काउंटर बना लिया है सर्किट भी इम्प्लीमेंट कर दिया अब आप देखना चाह रहे हैं कि भाई वो सर्किट जो हैं आपने कनेक्शन जो प्रॉपर किए थे कि नहीं टेस्ट करना है बेसिकली तो टेस्ट कैसे करेंगे आप एक मेमोरी लेंगे जिसमें आप वन एंड जीरोज डाल देंगे ये जो मेमोरी है ये रिप्रेजेंट कर रही है उस एक्सटर्नल इनपुट एक्स को अब इस मेमोरी को जिसमें ये वन सैन जीरो स्टोर किए हैं वो आप कनेक्ट कर लें उस आपका जो आपने डाउन काउंटर है उसके एक्स इनपुट के साथ अब मेमोरी के साथ आप कोई क्लॉक लगा लें या कोई और सर्किट लगा लें जिससे एक एक बिट जो है वो मेमोरी uh, से पढ़ेंगे और एक्स इनपुट जो है आपका अप एंड डाउन काउंटर का उस पर आप अप्लाई करते जाएंगे सो डिपेंडिंग ऑन जीरो और वन आपका जो काउंटर है अप काउंट करेगा या डाउन काउंट करेगा तो आपके पास वो मेमोरी में इंफॉर्मेशन है कि भाई जीरो अप्लाई किया या वन अप्लाई किया और इसी तरह आपका जो काउंटर है उसका आउटपुट आप देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर ज़ीरो आया तो क्या आप काउंट कर रहा है कि नहीं या अगर वन आया डाउन काउंट कर रहा है कि नहीं सो so, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो वन बिट मेमोरी होनी चाहिए क्योंकि एक्स जो इनपुट है वो वन बिट का ही है लेट अस सपोज कि आप एक एल uh, की मदद से एक कैलकुलेटर बनाते हैं कि जो दो नंबर जो हैं बी सी को ऐड करता है या सबक्राइड करता है या मल्टीप्लाई करता है सो so, बेसिकली जो ए का इनपुट है उसमें आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जिसको ऐड करें शायद तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेंगे मेमोरी में करेंगे अब मेमोरी का साइज़ क्या होना चाहिए बेसिकली दो वैल्यूज़ आपको चाहिए दो नंबर चाहिए जो दो फोर बिट के हैं सो बेसिकली मेमोरी इस किस्म की ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी आपको जिसमें फोर बिट इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकें कंप्यूटर्स जो हैं नॉर्मली मिनिमल जो साइज़ है एट बिट या एक बाइट को हैंडल करते हैं आपके जो मॉडर्न आपके कंप्यूटर्स uh, हैं वो 32 टू बेड सिक्सटी डाटा को भी हैंडल कर रहे हैं सो so, 32 टू 64 सिक्सटी फोर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट मेमोरी चाहिए होगी जिसमें आप साइमल्टेनियसली uh, 32 टू या 64 फोर को एक्सेस कर सकते हैं इसमें so, बेसिकली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का उसको हम कहेंगे सेल सेल जो है या वन स्टोर करेगा या ज़ीरो स्टोर करेगा जनरल जो आर्किटेक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन जो है मेमोरी की बेसिकली उसको एक टू डायमेंशनल अरे की सूरत में बनाया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है अब टेबल एक बनाते हैं टेबल में कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं तो आप कहते हैं कि जी फिफ्थ रो में जो सेकंड कॉलम है उसमें जो इन्फॉमेसन है वो आप पढ़ लें या उधर आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें इसी तरीके से हार्डवेयर में जो मेमोरी बनती है वो भी एक टू डायमेंशनल एरे की सूरत में है रोज़ होंगी और कॉलम्स होंगे सो तो एक रो नंबर और कॉलम नंबर की मदद से आप एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं उधर से आप एक बेट पढ़ सकते हैं या उस जगह पर उस सेल में एक बेट आप लिख सकते हैं आइए देखते हैं कि ये जो जनरल आर्किटेक्चर है मेमोरी का जो टू डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं ये कैसा नजर आ रहा है हमें और सेल्स किधर हैं और कैसे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं डायग्राम में एक 64 सेल मेमोरी एरे दिखाई गई है जिसके आठ रोज दिखाई गई हैं और आठ कॉलम्स हैं सो टोटल जो सेल्स हैं वो 64 हैं। रो वन में अगर देखें तो आठ बिट्स लिखी हुई हैं सो तो एक जो स्क्वेयर है वो एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है सो तो पहले ही रो में एट सेल्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन जो है वन वन जीरो जीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो जो लेफ़्ट मोस्ट सेल है जिसका एड्रेस आप कह लें रो वन एंड कॉलम वन उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो वन है इसी तरह जो सेकेंड सेल है पहली ही रो में उसका जो एड्रेस है रो वन कॉलम टू नेक्स्ट अगर चले जाएँ उसका रो वन ही है कॉलम थ्री हो जाता है और इसी तरह आखिरी जो सेल है इसी रो में उसका एड्रेस जो है वो रो वन है और सेल एट है सो so, आप रो नंबर और कॉलम नंबर की मदद से कोई सा भी सेल आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम में जो सेल है उस जगह पर जो सेल है उसमें वन पड़ा हुआ है इसी तरह सिक्स रो एंड फिफ्थ कॉलम में इस जगह पे जो सेल है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो है बिट ज़ीरो पड़ी हुई है अभी डायग्राम में हमने एक 64 सेल मेमोरी अरे देखिए जनरल आर्किटेक्चर दिखाया गया दैट मीन्स इसमें आप 64 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो डाटा साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आप का जो सिस्टम है डिजिटल सिस्टम है उसको किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए वन बेड हो सकता है फोर बेड हो सकता है एट बेड हो सकता है सिक्सटीन बेड हो सकता है सो वन बेड जो है उसको तो बेट ही कहेंगे एक सिंगल जो है वन हो जीरो हो उसको बेट कहेंगे फोर बेड जो है उसकी कॉम्बिनेशन को हम नेबल कहते हैं इस तरह एट बेड के कॉम्बिनेशन को हम एक बाइट uh, कहते हैं और अगर 16 बिट के कॉम्बिनेशन उसको वर्ड कहेंगे सो so जनरली एक जो डाटा यूनिट है उसको हम कहेंगे वर्ड अब इस 64 जो सेल की अरे हमने देखी थी इसको ऑर्गेनाइज करना है फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन वही वाली बात आ गई कि अगर हमारे पास अप एंड डाउन काउंटर है जिसमें वन बिट डाटा चाहिए तो इस 64 सेल अरे को उस फॉर्मेट में हमने ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि हम एक बिट एक लोकेशन पे स्टोर कर सकें अगर हमारे पास वो एल यू है जो दो नंबर्स को बिट नंबर्स को ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमें मेमोरी जो चाहिए वो हमें चाहिए निबल फॉर्मेट में डिफरेंट लोकेशन हों हर लोकेशन पे एक बिट वैल्यू स्टोर हो इसी तरह अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जो बाइट फॉर्मेट में डाटा हैंडल कर रहा है तो मेमरी को आपने ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपके पास हर एक रो पे एक बाइट आपको मिले और इसी तरह अगर आपके पास एक दूसरा मॉडर्न कंप्यूटर है जो 32 बिट बेट को या 64 फोर बेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है तो हर रो पे आपको 32 टू बेट्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए या 64 फोर बेट आप एक्सेस कर सकें तो आइए देखते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये जो सिक्सटी फोर सेल है अरे है इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में इसी 64 बिट सेल को हम अगर हमें नेबल फॉर्मेट में चाहिए तो उसके कितने हमारे पास रोज़ हो जाएंगे और कितने कॉलम्स हो जाएंगे कॉलम्स तो चार हो जाएंगे और जो रोज़ हैं वो बढ़ के हमारे पास 64 आ, हो जाएंगी लाद 64 नहीं होंगी 16 रोज़ हो जाएंगी इसी तरह अगर आपके पास बिट मेमोरी uh, चाहिए जिसमें हर लोकेशन पे एक बिट है तो आपके पास टोटल मेमोरी साइज जो होगा वो 64 लोकेशंस होंगी और हर लोकेशन पे एक बिट आप स्टोर कर रहे होंगे सो so, आइए देखते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को नेबल फॉर्मेट में आप मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे कितनी रोज होंगे कितने कॉलम्स होंगे और बेट फॉर्मेट में और मेमरी को तरह ऑर्गेनाइज करेंगे डायग्राम में वो जो 64 फोर बेट मेमरी थी जो ओरिजिनली हमने एर देखी थी उसको डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है लेफ्ट साइड पे हमने 16 रोज और फोर कॉलम में उसी मेमोरी को ऑर्गेनाइज़ कर दिया टोटल सेल्स जो हैं वो 64 ही हैं सो फर्स्ट रो में जो इन्फॉर्मेशन है वो वन वन ज़ीरो ज़ीरो है इसी तरह सेकेंड रो में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई 0, 1, 0, 0 है जीरो वन जीरो ज़ीरो है सो बेसिकली चार बिट इन्फॉर्मेशन हर रो पे पड़ी हुई है और ये चार बिट्स हम इकट्ठी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं राइट साइड पे अगर आप देखें उसी 64 बिट मेमोरी को या 64 सेल मेमोरी को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है वन इंटू सिक्सटी फोर बेसिकली सिक्सटी फोर लोकेशन हैं या एड्रेसेस हैं और हर लोकेशन पे एक बिट हमने स्टोर की हुई है सो so, पहली लोकेशन पे वन स्टोर किया हुआ है सेकेंड लोकेशन पे ज़ीरो स्टोर किया हुआ है थर्ड पे ज़ीरो है और इसी तरह आखिरी जो है सिक्सटी फोरथ लोकेशन उस पर ज़ीरो स्टोर किया हुआ है so, सो अगर आप थर्ड लोकेशन जो है या रो को सेलेक्ट करें उसमें आप ज़ीरो पढ़ सकते हैं अगर वन लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं अभी हमने दो तरीके देखे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अगर हमें निबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें वही 64 सेल जो अरे थी उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया इनटू 16 सिक्सटीन रोज एंड फोर कॉलम 16 लोकेशन हैं हर लोकेशन में फ़ोर बेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है टोटल जो सेल्स हैं वो 64 ही हैं इसी तरह अगर आपको वन बेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वही 64 जो सेल अरे था उसको ऑर्गेनाइज कर दिया इन टू सिक्सटी फोर हर लोकेशन पे एक बेड स्टोर्ड है अगेन टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 64 ही है इससे पहले जो हमने टू डायमेंशनल देखा था तो अरे जो देखी जिसमें थी जिसमें एट रोज थी एट कॉलम्स थे बेसिकली वो क्या है एट लोकेशंस पे वन बाइट स्टोर की हुई है सो आठ बाइट्स उस इनफॉम उस मेमरी में आप स्टोर कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने अगेन सिक्सटी फोर हैं सो तीनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ सेल्स एक ही हैं बेसिकली हमने उनको ऑर्गेनाइज डिफरेंटली कर लिए फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस जनरली जब आप मेमोरी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है या उसकी डेंसिटी कितनी है कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है कैपेसिटी का मतलब है कि टोटल सेल्स कितने हैं या टोटल बेड्स कितनी स्टोर हो सकती हैं या टोटल बाइट्स कितनी स्टोर हो सकती हैं जब आप कहते हैं कि 16 किलो बाइट दैट so मीन्स 16 किलो का मतलब है 1024 जीरो टू जैसे हम बाइनरी में पढ़ते आ रहे हैं 1024 ज़ीरो टू फोर मीन्स किलो सो सिक्सटी इंटू वन इतनी लोकेशंस होंगी और जब हम कहते हैं 16 किलो बाइट सो so हर लोकेशन में एक आप बाइट स्टोर कर सकते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये मालूम करें कि तो टोटल बिट्स कितनी होंगी इस मेमरी में तो सिक्सटी इंटू वन कर देंगे तो ये तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपके पास आ जाएंगे इस तरह जब आप कहते हैं कि वन मेगा बाइट मेमरी वन मेगा बाइट का मतलब है वन मेगा लोकेशन सो कितनी लोकेशन होंगी वन इंटू वन ज़ीरो टू फोर इंटू वन ज़ीरो टू फोर ये लोकेशन हो जाएंगी और हर लोकेशन पे कितनी इन्फॉमेशन स्टोर कर रहे हैं एक बाइट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं टोटल सेल्स या टोटल बिट्स जो इस मेमरी में स्टोर्ड हैं वो बेसिकली होगा वन इंटू वन ज़ीरो टू फोर इंटू वन ज़ीरो टू फोर इंटू एट सो ये तो होगी कैपेसिटी टोटल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस डेंसिटी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है जब हम मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली हमने कुछ सर्किट के को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करना है सर्किट बेसिकली क्या होगा ट्रांजिस्टर्स होंगे ट्रांजिस्टर्स बेसिकली जो नैंड गेट हैं या एक लैच बनानी है हमने शुरू में ये कहा था कि मेमोरी जो एलिमेंट है एक बिट स्टोर करने के लिए एक बेसिकली एक लैच चाहिए फ्लिप फ्लॉप चाहिए फ्लिप फ्लॉप में हमने यूज़ किए थे दो नैन गेट या दो गेट्स इनफैक्ट जो नैन गेट गेट कैसे बना है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स सो एक नैन गेट में कितने ट्रांजिस्टर्स चाहिए बेसिकली so, जो है छः ट्रांजिस्टर चाहिए एक फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो so, एक सेल एक मेमोरी सेल जिसमें आप वन या जीरो स्टोर कर सकते हैं छः ट्रांजिस्टर्स चाहिए सो so, अगर इसी तरह दस सेल्स हों तो आपको साठ ट्रांजिस्टर्स चाहिए इसी तरह अगर मेमरी बढ़ाते जाएँ तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वुड इंक्रीज़ अब इतने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आप कितनी जगह पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेट्स से आपका जो मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट है एक स्क्वेयर इंच का है अब इस एक स्क्वेयर इंच में आप कितने ट्रांजिस्टर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जितने ट्रांजिस्टर आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बेसिकली डिटरमिन करेगा कि कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं लेट अस सपोज कि आप एक स्क्वायर इंच में 60 ट्रांजिस्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो so, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप के लिए छः ट्रांजिस्टर चाहिए तो आप जो है दस बेसिकली बिट्स स्टोर कर पाएंगे सो अगर एक मेमरी जो है जो हाई डेंसिटी मेमरी है दैट मीन्स पर स्क्वायर इंच कोई भी एक एरिया का यूनिट ले लें उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं वो आप कहेंगे डेंस मेमोरी है सो बेसिकली फ़ायदा क्या होगा लेस स्पेस में ज़्यादा मेमोरी है आगे हम पढ़ेंगे जो डायनामिक रैम है जो आपके कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही होती है बेसिकली वो हाई डेंसिटी मेमोरी है स्मॉल स्पेस में बहुत सारी मेमोरी आपके पास अवेलेबल है एक दूसरी किस्म की मेमोरी होती है स्टैटिक रैम जो कि हाई डेंसिटी मेमोरी नहीं है उतनी स्पेस में कम इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है सो so, दो चीज़ें होगी एक कैपेसिटी टोटल सेल्स कितने हैं टोटल उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है और डेंसिटी पर यूनिट एरिया कितनी इन्फॉमेसन स्टोर हो सकती है आइए बात करते हैं मेमोरी सिग्नल्स की लेट अस सपोज कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं उधर एक मेमरी चिप खरीदते हैं किस किस्म के आपको सिग्नल्स जो है पेन्स हैं उस मेमरी की उन पर किस किस्म के सिग्नल्स मिलेंगे और उनका यूज़ क्या है बेसिकली कोई भी मेमोरी हो उसके तीन किस्म के सिग्नल होते हैं एड्रेस लाइंस या एड्रेस सिग्नल्स डाटा लाइंस या डाटा सिग्नल्स एंड कंट्रोल लाइंस या कंट्रोल सिग्नल्स एड्रेस लाइंस जो हैं बेसिकली उस पर जैसे एड्रेस का लफ्ज़ है दैट मींस एड्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं अभी हमने अरे देखी सेल की जिसमें आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एट रोज या एट कॉलम्स में या सिक्सटीन रोज़ फोर कॉलम्स में या सिक्सटी फोर रोज़ वन कॉलम में सो so बेसिकली ये जो रो एंड कॉलम जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं ये कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस सो बेसिकली मेमोरी को आप एक एड्रेस भेजेंगे जो आपका कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो एक एड्रेस भेजेगा जो के कनेक्ट होगा थ्रू एन एड्रेस बस टू दी मेमोरी चिप साइज कितना होना चाहिए कितनी लाइंस होनी चाहिए एड्रेस लाइंस होनी चाहिए डिपेंड करता है कि मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है और इन्फॉर्मेशन जो है कैसे ऑर्गेनाइज़ की है लेट अस सपोज के फोर लोकेशंस हैं चार सेल्स हैं और आप चार बिट्स वन एट ए टाइम पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं उसमें सो so, चार लोकेशंस को या चार सेल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चार यूनिक एड्रेस चाहिए चार यूनिक एड्रेस कैसे प्रोड्यूस करेंगे बेसिकली दो बिट्स चाहिए जीरो जीरो होगा तो एक सेल को आप एड्रेस कर रहे हैं जीरो वन होगा दूसरा सेल वन जीरो तीसरा सेल एंड वन वन चौथा सेल इसी तरह अगर आपके पास थ्री बिट एड्रेस हो सो बेसिकली यूजिंग दैट थ्री बिट एड्रेस आप एट डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं इस तरह अगर चार बिट्स हो तो सोलह लोकेशंस हो जाएंगी और इस तरह बढ़ाते जाएं नंबर ऑफ़ लोकेशंस जो है यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती हैं वो बढ़ती जाएंगी सो बेसिकली द साइज़ ऑफ द एड्रेस बस इंडिकेट कर रहा है कि उस मेमोरी की लोकेशंस यूनिक लोकेशंस कितनी हैं एड्रेस जो है मेमोरी जनरेट कभी भी नहीं करेगी ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं या उससे रीड कर रहे हैं वो डिवाइस एड्रेस जनरेट करेगी सो so, इसको हम कहेंगे एक यूनी डायरेक्शनल बस है बस कहते हैं इन लाइंस का मजमु ग्रुप ऑफ एड्रेस लाइंस को हम एड्रेस बस कहेंगे दूसरे जो सेट ऑफ सिग्नल्स हैं वो हम कह रहे हैं कि डाटा सिग्नल्स हैं देखिए मेमोरी में हमने बताया था यहाँ आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे राइट करेंगे या रीड करेंगे सो बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं अब इंफॉर्मेशन अगर आपने लिखनी है तो वो इंफॉर्मेशन कैसे मेमोरी तक पहुँचाएँगे थ्रू डाटा लाइन्स राइट अब ये डाटा लाइन एक नहीं होगी डिपेंड करता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर सिंगल बिट मेमोरी है हर लोकेशन पे एक बिट स्टोर कर रहा है तो एक ही डाटा लाइन होगी अगर एक लोकेशन पे चार बिट स्टोर हो रही हैं तो चार डाटा लाइंस होंगी अगर एट बिट स्टोर हो रही हैं हर एड्रेस पे तो दैट मींस एट डाटा लाइंस होंगी अब जो इंफॉर्मेशन है आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं दैट मीन्स दोनों डायरेक्शन में डाटा मूव होगा सो ये जो मजमु है डाटा लाइन्स का इनको आप डाटा बस कहेंगे डाटा बस जो है ये कनेक्ट करती है मेमोरी की डाटा लाइंस को माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस के साथ या डाटा लाइंस के साथ सो माइक्रो प्रोसेसर ने अगर कोई इन्फॉमेसन मेमोरी में लिखनी है तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा बस पे वो इन्फॉमेसन भेजेगा वो मेमोरी में लिखी जाएगी इसी तरह अगर माइक्रो प्रोसेसर ने मेमरी से इनफॉर्मेशन पढ़नी है तो कुछ कंट्रोल सिग्नल भेजेगा जिसकी मदद मतलब से इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा बस पर आ जाएगी मेमरी की अवजत से वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पढ़ लेगा अब जैसे हमने बताया कि दी नंबर ऑफ लाइन्स इन दी डाटा बस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डाटा डाटा यूनिट जो है सिंगल बिट है तो एक लाइन होगी चार बिट है चार लाइन्स होंगी आठ है तो आठ लाइन्स होंगी जितनी वाइड डाटा बस है या जितनी लाइन्स हैं डाटा बस में दैट मीन्स उतनी आप तेजी उतना इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं सो लेट्स सपोज आपके पास दो मेमरीज हैं एक की एट बिट डाटा बस है एक की सिक्सटीन बिट डेरा बस है सो so, बेसिकली कौन सी बेहतर होगी सिक्सटीन डैरा बस वाली क्योंकि सिक्सटीन बिट डेरा बस वाली क्योंकि आप दो बाइट्स एट ए टाइम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो फास्टर होगी एज कंपेयर टू द मेमरी जिसकी एट बिट्स हैं सो एड्रेस बस होगी डेटा बस होगी जो कि बाई डायरेक्शनल है तीसरी जो तीसरे किस्म के जो सिग्नल्स हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल सिग्नल्स देखें मेमरीज में, में आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो ये कैसे डिटरमिन होगा बेसिकली आपने एक कंट्रोल सिग्नल की मदद से मेमोरी को बताना है कि ये रीड करना है या राइट करना है दूसरा जो एक कंट्रोल सिग्नल है वो इस पूरी मेमोरी चिप को सेलेक्ट करेगा किसी भी डिजिटल सिस्टम में आपके पास एक से ज़्यादा मेमोरी चिप होंगे तो किसी एक टाइम में एक लोकेशन से आप इंफॉर्मेशन यहाँ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो जो बाकी मेमोरी चिप हैं वो उस टाइम पे सिलेक्टेड नहीं होंगे तो आप किसी एक मेमोरी चिप को कैसे सिलेक्ट करेंगे बेसिकली एक चिप सेलेक्ट लाइन होगी सो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं सो कंट्रोल लाइंस में एक तो रीड राइट लाइन होगी और एक चिप सेलेक्ट लाइन होगी रीड लाइट रीड राइट लाइन जो है वो या तो एक हो सकती है सिंगल हो सकती है अगर लेट्स सपोज उसको आप हाई कर दें लॉजिक हाई उसको कर दें तो वो मेमोरी से इंफॉर्मेशन रीड करेगा अगर उसको आप जीरो कर दें सो इन्फॉर्मेशन राइट करेगा कुछ मेमोरीज में दो सेपरेट रीड राइट लाइंस होंगी तो अगर आपने रीड करना है तो रीड वाली लाइन को एक्टिवेट कर दें और अगर आपने इन्फॉर्मेशन राइट करनी है राइट वाली लाइन को एक्टिवेट कर दें एड्रेस लाइंस की जो हमने बात की बेसिकली हमने एड्रेस बस पे जो इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है कैसे सिलेक्ट होगा बेसिकली जैसे हमने शुरू में एक जो डायग्राम देखा था जिसमें रो सिलेक्ट करनी है और एक कॉलम सेलेक्ट करना है मेमोरी के अंदर एक डिकोडर लगा होता है डिपेंड करता है मेमोरी की कैपेसिटी पे। तो अगर लेट्स से एट सेल की मेमोरी है एट लोकेशंस हैं तो एक थ्री टू एट डिकोडर लगा होगा थ्री इनपुट एड्रेस होगा तीन बिट के एड्रेस में से एक लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे सो so जो डिकोटर का आउटपुट है वो बेसिकली एक रो को या एक लोकेशन को सिलेक्ट कर रहा होगा अगर इसी तरह आपके पास 16 लोकेशन की मेमोरी है उसमें एक 4 टू 16 डिकोटर लगा होगा इनपुट 4 बिट्स का होगा आउटपुट में 16 में से एक लाइन सेलेक्ट होगी जो उस पर्टिकुलर रो को या लोकेशन को सेलेक्ट कर रही है सो so मेमरी के अंदर एक डिकोटर लगा होता है जो कि एक्सटर्नल एड्रेस लाइन्स के साथ कनेक्टेड है आइए इस डायग्राम को देखते हैं और आगे फिर डिस्कशन करते हैं इस पर डायग्राम में एक रीड राइट मेमरी का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया सेंटर में एक मेमरी अरे दिखाई गई है इसके डिफरेंट इनपुट्स हैं एक जो इनपुट है एड्रेस डी से आ रहा है एड्रेस डी जैसे हमने डिस्कस किया उसका इनपुट जो है एड्रेस पस है दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर जो है एक खास एड्रेस अप्लाई करेगा जो कि एड्रेस डी जो कि मेमोरी चिप में है उस एड्रेस को डी करेगा और जो मल्टीपल आउटपुट लाइन्स हैं उनमें से एक लाइन को एक्टिवेट कर देगा जिसको हम कहेंगे रो सेलेक्ट लाइन ये जो रो सेलेक्ट लाइन है इसकी मदद से हम यहाँ एक सेल या मल्टीपल सेल्स को इनेबल कर देंगे या सिलेक्ट कर देंगे राइट right साइड पे एक डाटा बस दिखाई गई है जो कि बाई डायरेक्शनल है दैट मीन्स अगर आपने मेमोरी अरे से इन्फॉर्मेशन पढ़नी है रीड करनी है तो इंफॉर्मेशन इस डेटा बस की मदद से हम पढ़ सकते हैं आउट होगी अगर आपने इसमें इंफॉमेशन लिखनी है सो डाटा बस पे आप इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे एड्रेस भेजेंगे जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर लोकेशन पर इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है रीड या राइट कैसे होगा बेसिकली ये डिटर्मिन होगा रीड एंड राइट कंट्रोल लाइन से जो कि नीचे दिखाई गई हैं इस डायग्राम में दो सेपरेट रीड एंड राइट लाइंस दिखाई गई हैं सो अगर इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो रीड सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा अगर इन्फॉर्मेशन राइट करनी है राइट सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा इससे पहले कि रीड सिग्नल अप्लाई करें या राइट सिग्नल अप्लाई करें इस पूरी मेमोरी को सिलेक्ट करना होगा जो कि ऊपर जो सिग्नल दिखाया गया मेमरी सेलेक्ट सिग्नल उसको जब एक्टिवेट करेंगे ये मेमरी चिप जो है मेमरी अरे और एड्रेस डी जो है ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं इसमें अभी हमने डायग्राम देखा ब्लॉक डायग्राम देखा एक मेमोरी का बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मेमोरी अरे है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एक एड्रेस डिकोडर है जो एड्रेस लाइन को या एड्रेस इनपुट को डी करता है और उनमें से एक पर्टिकुलर सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करता है डाटा बस है जिसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन मेमोरी अरे से पढ़ सकते हैं या उसमें लिख सकते हैं कंट्रोल सिग्नल्स हैं चिप सिलेक्ट जिसको आप एक्टिवेट करेंगे तो मेमोरी अरे एड्रेस डी कोटो ये सिलेक्ट हो जाएंगे अगर डीएक्टिवेट करेंगे तो ऑफकोर्स ये सिलेक्ट नहीं होंगे सिलेक्ट करने के बाद ही आप रीड या राइट कर सकते हैं तो अगर रीड करना है तो रीड कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट कर दें अगर राइट करना है राइट कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट कर दें आइए अब देखते हैं रीड एंड राइट ऑपरेशन रीड एंड राइट ऑपरेशन जैसे हमने बताया कि आप इंफॉर्मेशन मेमरी से पढ़ेंगे उसको कहेंगे रीड अगर आप लिखेंगे माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहा है उसको हम कहेंगे राइट ऑपरेशन रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे होंगे बेसिकली ये जो डिफरेंट हमने सिग्नल्स डिस्कस किए ये एक सीक्वेंस में अप्लाई होंगे सो दैट मीन्स पहले एड्रेस आएगा एड्रेस की वजह से एक लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी आपने चिप सेलेक्ट भी अप्लाई करना है जिससे खास मेमोरी चिप सेलेक्ट होगा लेट्स से आप मल्टीपल मेमोरी चिप्स हैं तो उनमें से एक मेमोरी चिप आपने सेलेक्ट करना है मेमोरी चिप जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने रीड सिग्नल भेजना है या राइट सिग्नल भेजना है अगर आपने रीड करना है तो रीड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे अगर राइट सिग्नल भेजा तो राइट इन्फॉर्मेशन होगी अगर राइट करनी है इन्फॉर्मेशन मेमोरी एरे में लिखनी है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे डाटा लाइन्स पे सो तो ये देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इस मेमोरी के साथ कैसे कनेक्टेड है कौन से बफर यूज़ हो रहे हैं और ये रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एड्रेस फोर से एक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है बाइट इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है सो लेफ्ट साइड पे एड्रेस बफर दिखाया गया जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस बफर होता है जो भी जिस एड्रेस से माइक्रोप्रोसेसर ने इन्फॉर्मेशन पढ़नी है वो एड्रेस बफर में वो एड्रेस आ जाता है एड्रेस बफर के साथ एक एड्रेस बस है जो कि मेमोरी के एड्रेस डी के साथ कनेक्टेड है एड्रेस बस जो है वो भी एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है माइक्रोप्रोसेसर जब मेमोरी के साथ कनेक्ट होगा ये थ्रू एड्रेस बस कनेक्ट होगा एड्रेस बस जैसे हमने पहले बताया सेट ऑफ एड्रेस लाइंस जिन पे आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन भेजेंगे मेमरी को मेमरी के पास जब इन्फॉर्मेशन वन जीरो एड्रेस डी एक आउटपुट लाइन एड्रेस डी की एक आउटपुट लाइन एक्टिवेट कर देगा सो so, अगर इस डायग्राम में देखा जाए एट रोज़ हैं पहली रो का एड्रेस जो है ज़ीरो है सेकंड जो है वन है इसी तरह जो आखिरी है वो सेवन है सो so ज़ीरो से लेके सेवन एड्रेसेस हैं आठ रोज़ टोटल बन जाती हैं एड्रेस बफर में इंफॉर्मेशन वन ज़ीरो जीरो जो एड्रेस है वन ज़ीरो जीरो पड़ा हुआ है सो एड्रेस डी कोटर जो है वो लाइन नंबर फोर को सेलेक्ट करेगा लाइन नंबर फोर जब सेलेक्ट होगी तो जो आठ सेल्स हैं इस पर्टिकुलर रो में वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे मेमोरी सेलेक्ट सिग्नल ऑफ कोर्स एक्टिवेट किया हुआ है ताकि एड्रेस डिकोडर भी काम करे और मेमोरी अरे भी काम करे क्योंकि रीड कर रहे हैं सो रीड सिग्नल भी एक्टिव है रीड सिग्नल को एक्टिव करने से जो इंफॉर्मेशन है एट सेल्स में रो फोर पे वो इंफॉर्मेशन डाटा पिनस पे अवेलेबल हो जाएगी जो मेमोरी की डाटा पिनस हैं वो कनेक्टेड हैं एक डाटा बफर के साथ डाटा बफर जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है सो so, मेमोरी की डाटा लाइंस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन जो है डाटा बफर में जा रही है थ्रू दी एक्सटर्नल डाटा बस बेसिकली डाटा बस जो है सेट ऑफ डाटा लाइंस हैं इन्फॉर्मेशन जो ही मेमोरी पे आएगी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इन्फॉर्मेशन को लैच कर लेगा सो so, बेसिकली जो डाटा बफर है ये एक लैच है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन जो लोकेशन फोर पे है वो लैच हो गई है. डायग्राम में एक मेमोरी राइट ऑपरेशन दिखाया गया है उसी तरह वही एट रो की मेमोरी अरे है जिसमें हर रो में एक बाइट स्टोर की गई है सो माइक्रो प्रोसेसर जो है एड्रेस लोकेशन थ्री पे इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहा है सो एड्रेस बफर में जो एड्रेस है जीरो वन वन पड़ा हुआ है ये जीरो वन वन अप्लाई हो रहा है एड्रेस डी के इनपुट पे थ्रू दी एड्रेस बस मेमोरी सिलेक्ट हुई हुई है मेमोरी सेलेक्ट सिग्नल एक्टिव है रीड सिग्नल को डीएक्टिवेट कर दिए राइट सिग्नल को एक्टिवेट कर दिए क्योंकि ये इन्फॉमेसन जो है लिखनी है कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो इन्फॉर्मेशन जो है माइक्रोप्रोसेसर प्रोवाइड करेगा जो कि उसके डाटा बफर में मौजूद है सो so, जो इन्फॉर्मेशन है वो है वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो सो जो ही राइट सिग्नल अप्लाई होगा ये इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी की डाटा इनपुट्स पे अवेलेबल है थ्रू दी डाटा बस सो राइट सिग्नल पे ये इन्फॉर्मेशन जो है एड्रेस लोकेशन थ्री पे स्टोर हो जाएगी सो so, मेमोरी में वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो मेमरी लोकेशन थ्री पे स्टोर होते हुए दिखाया गया अभी हमने मेमोरी रीड ऑपरेशन मेमोरी राइट ऑपरेशन को डायग्राम की मदद से देखा इसमें हमने जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं उनका कोरक्ट सीक्वेंस उस पर हमने कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं की कि एड्रेस कब आएगा इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी रीड राइट सिग्नल कब एक्टिवेट होंगे चिप सिलेक्ट सिग्नल्स कब एक्टिवेट होंगे ये हम बाद में हम देखेंगे जब रीड राइट साइकिल को डिस्कस करेंगे भल ये जेहन में रखिएगा कि ये डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं ये एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में अप्लाई होंगे तब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रीड होगी या इन्फॉर्मेशन राइट होगी अब हम बात करते हैं मेमरी टाइप्स की किसी भी डिजिटल सिस्टम में एक किस्म की मेमोरी नहीं होती डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी यूज़ हो रही होती है सो so, जो दो मेजर टाइप्स हैं वो हैं रैम एंड रोम रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस का मतलब है आप किसी लोकेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं सो so, जैसा कि हमने अभी रीड राइट ऑपरेशन में देखा कोई भी आप एड्रेस भेजें उससे एक जो है लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी उस पर आप इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं लिख सकते पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं बेसिकली ये जो रैम है ये कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा होती है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमने ये बताया था कि जो प्रोग्राम है जो आपने एग्जीक्यूट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन इसी रैम में रिजाइड करेगा जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है इस रैम से वो एक इंस्ट्रक्शन पिक करेगा उसको डी करके एग्जीक्यूट करेगा सो so, रैम जो है डिजिटल सिस्टम में यूजली बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर टाइप दूसरी टाइप क्या है बेसिकली रोम रीड ओनली मेमरी रीड ओनली मेमोरी जो है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हम सिर्फ पढ़ सकते हैं इसमें इंफॉर्मेशन लिख नहीं सकते बेसिकली अगर हम लिख नहीं सकते सिर्फ पढ़ सकते हैं तो इसका यूज कहाँ है जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होगी कि भाई ये ये काम करने हैं ये सीक्वेंस उसने फॉलो करना है तो वो कहाँ से इन्फॉमेसन देंगे क्योंकि आप जो ही बटन प्रेस किया है उससे पहले आपने कोई प्रोग्राम लोड नहीं किया हुआ तो वो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली इसी किस्म की मेमोरी में रोम में होगी सो so जब भी आप एक डिजिटल सिस्टम को ऑन करेंगे उसको परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो एग्जीक्यूट करेगा और उसको कहेंगे अप करेगा अपने आप को सो बेसिकली ये इन्फॉमेसन जो है रीड ऑनली मेमरी में होगी अब ये इंस्ट्रक्शन जो हैं बहुत कम होती हैं इन ए डिजिटल सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम में रोम की जो कैपेसिटी है या रोम जो चिप है वो कम्पेरेटिवली बहुत कम होता है या छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू रैम रैम और रोम में एक जो और ख़ास बात है रैम जो है उसको कहते हैं वोटायल मेमोरी वोटायल का मतलब है कि अगर आप पावर अप्लाई करें जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं या ट्रांजिस्टर्स हैं जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उनको पावर चाहिए फ़ाइव वोल्ट चाहिए सो so, अगर आप फाइव वोल्ट रिमूव कर दें जो भी इंफॉर्मेशन रैम में है वो लूज़ कर जाएंगे अब दोबारा से उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते तो इसलिए हम रैम को कहेंगे वोलेटाइल मेमरी सो इसलिए जो आप प्रोग्राम लिखते हैं एग्जीक्यूट करते हैं उसको अगर आप स्टोर नहीं करें कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें तो आपको दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सो रैम बेसिकली वोलेटाइल है रोम जो है जैसे हमने बताया एक परमानेंट इन्फॉमेसन चाहिए स्टोर करनी है जो ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन उधर से पड़ेगा और अपना काम करना शुरू कर देगा अगर आपने पावर ऑफ कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है आपका सिस्टम नहीं चलेगा सो so, राम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमरी भी कहलाता है बेसिकली अगर पावर ऑफ़ भी कर दें तब भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेन रहेगी सो दो टाइप्स होगी रैम मेमरी एंड रॉम मेमरी सो डिफरेंट इनके एट्रीब्यूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम रैम को पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद हम रोम को डिस्कस करेंगे रैम की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं दो मेजर टाइप्स हैं स्टैटिक रैम एंड डाइनामिक रैम स्टैटिक रैम जो है बेसिकली फास्ट है उसका जो एक्सेस टाइम है मतलब आप कम टाइम में लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन और पढ़ सकते हैं सो स्टैटिक रैम की जो डेंसिटी है वो भी लो है दैट मींस पर यूनिट एरिया जो मेमोरी स्टोरेज है जो इसमें कैपेसिटी है वो कम है डाइनामिक रैम जो है दूसरी टाइप है एक रैम मेमोरी की उसमें जो है एक्सेस टाइम द टाइम इन विच यू कैन रीड इंफॉर्मेशन और राइट इंफॉर्मेशन टू द मेमोरी वो जो है स्लो है कम्पेयर टू स्टैटिक रैम सो दैट मींस स्टैटिक रैम फास्ट है डायनामिक रैम स्लो है डायनामिक रैम की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम सो अपर यूनिट एरिया बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाते हैं आपके जो नंप्योर सिस्टम्स हैं उनमें बेसिकली जो रैम इंप्लीमेंट हुई है वो डायनामिक रैम की सूरत में है डायनामिक रैम की डेंसिटी ज़्यादा क्यों है बेसिकली डिपेंड करता है इंप्लीमेंटेशन पे स्टैटिक रैम जो है उसको हमने जैसे बताया एक फ्लिप फ्लॉप की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक सेल जो है स्टैटिक रैम का वो एक फ्लिप फ्लॉप की मदद से इंप्लीमेंट हो रहा है एक फ्लिप फ्लॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए तकरीबन छः ट्रांजिस्टर्स चाहिए अगर डी रैम को देखा जाए डायनामिक रैम को देखा जाए उसका जो एक सेल है वो इम्प्लीमेंट करते हैं हम एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है एज ए स्विच काम कर रहा है सो so वो बेसिकली अलाउ करता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाए या ना चार्ज हो अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो उसमें जो इंफॉर्मेशन जो चार्ज स्टोर है उसको हम कहते हैं कि जी लॉजिक वन स्टोर हो गया अगर कैपेसिटर जो है अनचार्ज है या डिस्चार्ज कर दिया है उस पर कोई वोल्टेज नहीं है कोई चार्ज नहीं है उसको हम कहेंगे कि ज़ीरो लॉजिक है सो बेसिकली चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर रहा है लॉजिक वन को अनचार्ज कैपेसिटर जो है लॉजिक जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्टोर कर रहा है अब एक ट्रांजिस्टर और एक जो कैपेसिटर है उसको आप बहुत थोड़ी स्पेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो so, नतीजा क्या निकलेगा आपकी जो डायनामिक रैम है वो ज़्यादा डेंस हो जाएगी क्योंकि एक जो सेल है वो एक कम जगह में आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज करते हुए जो एक्सेस टाइम है वो स्लो हो जाता है थोड़ा इसलिए हम कहते हैं कि जो एस रैम है स्टैटिक रैम है वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैम डायनामिक रैम में एक और इशू है बेसिकली कैपेसिटर जो है वो फॉर एवर अपना चार्ज रिटेन नहीं कर सकता कैपेसिटर जैसे आपको पता है थोड़ी टाइम के बाद वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा अगर हमारे पास डायनेमिक रैम है जिसमें आपने लत सपोज़ एक प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है और उसको अगर डायनामिक रैम को आप चार्ज दोबारा से नहीं करें या रिफ्रेश नहीं करें तो वो इंफॉर्मेशन लूज़ हो जाएगी सो so, डायनामिक रैम जहाँ भी होगी उसके साथ एक रिफ्रेश सर्किटरी होती है जो पीरियडिकली जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सारों को चार्ज करती है उसमें ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेन रहे सो so, हम स्टैटिक रैम को भी देखेंगे डायनामिक रैम को भी देखेंगे स्टैटिक रैम का स्ट्रक्चर सिंपलर है क्योंकि उसमें कोई रिफ्रेश सर्किट नहीं है पर डेंसिटी uh, उसकी जो है वो कम है ऑन द अदर हैंड डायनेमिक रैम जो है उसमें सर्किट कम्पलेक्सिटी वो ज़्यादा है क्योंकि रिफ्रेश सर्किट की वजह से पर डेंसिटी ज़्यादा है ज़्यादा मेमरी आप लेस स्पेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आइए अब देखते हैं स्टैटिक रैम का जो फ्लिप फ्लॉप बेस सेल है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है सैटिक रैम का जो स्ट्रक्चर है जैसे मैंने बताया कि एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहा है जो इन्फॉमेसन को स्टोर करता है और उसी फ्लिप फ्लॉप से हम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हम ये जो हमने सिग्नल्स डिस्कस किए थे एड्रेस सिग्नल्स डायरा सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स रीड राइट सिग्नल्स ये बेसिकली अगर देखा जाए एक सेल को कंट्रोल कर रहे हैं और अगर आपके पास पूरी कंप्लीट मेमोरी है जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं तो ये एड्रेस लाइंस अगेन डी के थ्रू मल्टीपल सेल्स को एक्सेस कर रही हैं सेलेक्ट कर रही हैं उसमें आइए देखते हैं कि ये जो सिंगल सेल है फ्लिप फ्लॉप की मदद से कैसे इंप्लीमेंट हुआ है और ये रीड राइट ऑपरेशन कैसे होते हैं डायग्राम में एक स्टैटिक मेमोरी सेल दिखाया गया जो है जो कि एक डी फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड है सेंटर में डी फ्लिप फ्लॉप है डी इनपुट पे डाटा इन हम अप्लाई कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी सेल में स्टोर करनी है वो ऑफ कोर्स डाटा इन पे अप्लाई होगी वन बिट इफॉर्मेशन स्टोर करेगा ऑफ कोर्स अगर मल्टीपल बिट स्टोर करनी है तो इसी किस्म के मल्टीपल सर्किट्स होंगे क्यू आउटपुट से ऑफ कोर्स इस फ्लिप फ्लॉप से इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं क्यू आउटपुट जो है एक कनेक्ट हुआ हुआ एक प्राइस टेड बाफर के साथ स्टेट बफर को इनेबल करते हैं हम सेलेक्ट इनपुट के साथ सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें एक एंड गेट है उसके दो इनपुट्स हैं सिलेक्ट इनपुट और राइट सिग्नल एंड गेट का आउटपुट जो है जो क्लॉक सिग्नल है डी फ्लिप फ्लॉप ही उसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है बेसिकली ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये काम करता है एज ए लैच लैच जैसे आपको याद हो इसमें क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं जो ही हम क्लॉक इनपुट पे हाई लेवल पल सप्लाई करें या लो लेवल पल सप्लाई करें तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या इन्फॉर्मेशन को लैच करेगा सो आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है अगर हमने डाटा पढ़ना है इसमें से रीड करना है तो राइट सिग्नल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि राइट सिग्नल अगर एक्टिव है तो इसका मतलब है हम लिख रहे हैं राइट कर रहे हैं सो so रीड करने के लिए राइट सिग्नल ज़ीरो होगा जिसकी वजह से एंड गेट का आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो सिलेक्ट नहीं हुआ सो so, इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यू आउटपुट पे उसको हम पढ़ सकते हैं अगर सिलेक्ट इनपुट एक्टिव हो सिलेक्ट इनपुट अगर एक्टिव हो ट्राई स्टेट बफर इनेबल हो जाएगा क्यू आउटपुट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा आउट पे अवेलेबल हो जाएगी अगर हम इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं राइट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट एक्टिव होगा क्योंकि सिलेक्ट का एक्टिव होना ज़रूरी है इसके बगैर काम जो सर्किट है नहीं करेगा राइट right सिग्नल है वो भी एक्टिव होगा दैट मीन्स एंड गेट का आउटपुट एक्टिव हो जाएगा वन हो जाएगा जब एंड गेट का आउटपुट एक्टिव हो जाएगा वन हो जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप का जो सी इनपुट है वो भी ऑफ कोर्स एक्टिव हो जाएगा और ये एज ए ट्रांसपेरेंट लैच के तौर पे काम करना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स डाटा इन पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगी क्यू आउटपुट पे जो ही राइट सिग्नल डिसेबल करते हैं जो इन्फॉर्मेशन क्यू आउटपुट पे है वो लैच हो जाएगी सो दैट मीन्स डाटा इन पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो लैच ने स्टोर कर लिए अभी हमने एक स्टैटिक रैम के सिंगल सेल की इम्प्लीमेंटेशन देखी जैसे कि हमने देखा डायग्राम में एक डी फ्लिप फ्लॉप है जो कि एज ए लैच इस्तेमाल हो रहा है उसमें कुछ कंट्रोल सर्किट हुई है एक एंड गेट लगाया हुआ है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन लैच में राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं डायग्राम में दो डाटा लाइंस दिखाई गई बेसिकली एक डाटा इन था और एक डाटा आउट था जैसे कि मेमोरी में हमने पहले डिस्कस किया था एक ही डाटा बस है जो कि बाई डायरेक्शनल है बेसिकली डाटा इन लाइन को डाटा आउट लाइन के साथ इकट्ठे मिला सकते हैं तो ये आपके पास एक बाई डायरेक्शनल डाटा लाइन बन जाएगी क्योंकि जब भी आप इंफॉर्मेशन मेमोरी में लिख रहे हैं उस वक्त आप पढ़ नहीं रहे होते सो दैट मींस रीड राइट जो है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हो रहे हैं सो दैट मींस अगर आप पढ़ रहे हैं तो डाटा आउट की ज़रूरत है अगर आप लिख रहे हैं डाटा की ज़रूरत है सो so, दोनों लाइंस को आप मिला दें तो आपकी मेमोरी जो है वो काम करेगी इसमें जो डायग्राम देखा था बेसिकली जो फ्लॉप है एक ही इंफॉर्मेशन एक बिट को स्टोर कर रहा है एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिकली जैसे कि आपको मालूम है हमें ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी चाहिए दैट मींस मल्टीपल सेल्स होंगे इसी किस्म के लैच uh, इस्तेमाल होगी उसका कंट्रोल सर्किटरी होगी बेसिकली ऑर्गेनाइज होगी उसी तरह टू डायमेंशनल अरे की सूरत में जिसमें एक डी कोडर होगा रो एड्रेसेस जनरेट करेगा कॉलम एड्रेसेस जनरेट करेगा सो रो एंड कॉलम एड्रेस जो है मिल एक सेल को सेलेक्ट करेंगे सो लेट सपोज एक लोकेशन है वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री है एक एड्रेस उसमें आपने एट बिट्स स्टोर किए हैं जो डाटा यूनिट है वो एट बिट का यूनिट है कि बाइट का है सो वन टू थ्री एड्रेस पे बेसिकली आपके पास ये जो लैचेस हमने डिस्कस की जो सर्किट था एट कॉपीज होंगी उसमें सो दैट मीनस एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उधर स्टोर हो जाए जो ही आप एड्रेस जो माइक्रो प्रोसेसर है एड्रेस वन टू थ्री अप्लाई करता है एड्रेस बस पे डी जो हैं जो पर्टिकुलर रो सिलेक्ट कर देगा पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर देगा जिसकी मदद से वो आठ लैचेस सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर डिपेंडिंग ऑन दी रीड सिग्नल या राइट सिग्नल आप रीड या राइट ऑपरेशन कर सकेंगे आइए देखते हैं इस टू डायमेंशनल अरे को और लैचेस को कैसे ये ऑर्गेनाइज़ हुई हैं और कैसे सेलेक्ट हो रही हैं डायग्राम में इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक एट इंटू फोर स्टैटिक रैम का एट इंटू फोर का मतलब है एट लोकेशंस ईच लोकेशन स्टोर्स फोर बेड्स जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है हर रो में चार लैचेस हैं और जो डिकोडर की सेलेक्ट लाइन है डिकोडर की आउटपुट जो सेलेक्ट लाइन है वो इन चारों फ्लिप फ्लॉप्स के सिलेक्ट इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो लेट इज सपोज के ए ज़ीरो वन ए टू जो एक्सटर्नल एड्रेस इनपुट्स हैं इस पर ज़ीरो 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 एड्रेस हम भेजें सो इसकी वजह से थ्री टू एट डिकोडर का जो पहला वाला आउटपुट है आउटपुट सिग्नल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी मदद से जो पहले रो में चार लैचेस हैं वो चारों के चारों सेलेक्ट हो जाएंगी नीचे अगर आप देखें दो एंड गेट्स लगाए गए हैं पहले वाले एंड गेट के इनपुट पे डब्ल्यू राइट सिग्नल है और नीचे जो है चिप सिलेक्ट सिग्नल है इसी तरह जो नीचे एंड गेट है उसके दो इनपुट्स हैं एक चिप सेलेक्ट और एक जो है आउटपुट इनेबल ये सारे एक्टिव हाई सिग्नल्स हैं दैट मीन्स राइट अगर हाई होगा तब इन्फॉर्मेशन राइट right होगी अगर राइट right ज़ीरो होगा सो so इसका मतलब है हम रीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन इस मेमरी अरे से चिप सेलेक्ट भी एक्टिव हाई है अगर ये हाई होगा तब ये मेमोरी काम करेगी अगर चिप सिलेक्ट लो है तो तब मेमोरी काम नहीं करेगी रीड भी नहीं कर सकेंगे राइट right भी नहीं कर कर सकेंगे आउटपुट इनेबल जो है ये बेसिकली रीड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट इनेबल जिस एंड गेट पे लगा हुआ है उसके आउटपुट को अगर देखें वो चार प्राइसटेड बफर्स के इनेबल इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो अस सपोज के चिप सेलेक्ट जो है वो एक्टिव है और आउटपुट इनेबल भी एक्टिव है सो so, इसकी वजह से सेकेंड एंड गेट है उसका आउटपुट जो है एक्टिवेट हो जाएगा चारों जो प्राइस स्टेट बफर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एड्रेस जो 000 भेजा है जिसकी वजह से पहली रो की सारी लैचेस जो हैं चार लैचेस वो सिलेक्ट हो गई हैं उनके आउटपुट्स जो हैं वो डाटा आउट थ्री डाटा आउट टू डाटा आउट वन और डाटा आउट जीरो पे अवेलेबल हो जाएंगे किसी दूसरी रो की लैच जो है वो क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुई उसकी इंफॉर्मेशन आउटपुट पे अवेलेबल नहीं होगी इसी तरह अगर राइट करना चाहें तो राइट सिग्नल एक्टिव होगा चिप सेलेक्ट ऑफ कोर्स एक्टिव होना चाहिए और आउटपुट इनेबल जो है इनएक्टिव होना चाहिए पहले वाले एंड गेट का आउटपुट जो है वो तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं या लैचेस जो हैं उनके राइट सिग्नल के साथ कनेक्टेड है सो so, डिपेंड करता है कि एड्रेस कौन सा अप्लाई किया है लेथ से वन 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 अप्लाई किया है आखिरी वाली रोड की सारी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं या जो लैचेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी राइट सिग्नल एक्टिवेट हो गया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन डाटा इनपुट पे है जो ऊपर जो डाटा इनपुट नाइन नज़र आ रही है डाटा इन थ्री डाटा इन टू डाटा इन वन एंड डाटा इन ज़ीरो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये चारों लैचेज़ जो हैं ये स्टोर कर लेंगी ये इंफॉर्मेशन किसी और लैच में नहीं जा सकती क्योंकि वो लैचेस सिलेक्ट नहीं हुई सो डिपेंड करता है कि एड्रेस कौन सा था इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिग्नल जो थे वो कौन से एक्टिव थे उसकी मदद से हम रीड या राइट कर सकते हैं अभी हमने देखा एक स्टेटिक रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली एट रोज थी या एट लोकेशंस थी और हर लोकेशन जो थी चार बेड को स्टोर कर रहे सो so बेसिकली आपके पास एट इंटू फोर थर्टी टू फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए और कंट्रोल सर्किटरी जो है वो कॉमन है सारों को जो चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं एक रो में उनको साइमल्टेनियसली सेलेक्ट करते हैं अब हम देखते हैं कि जो ब्लॉक डायग्राम है या जो एक मेमरी चिप है उसका सिंबल कैसा होगा उसमें जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं वो कैसे नज़र आते हैं उसमें सो so, हम एक एग्जांपल देखते हैं 16 किलोबाइट रैम चिप की उसके एड्रेस लाइंस देखते हैं डाटा लाइंस देखते हैं और जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं नॉर्मली जो डाटा शीट्स में आपको एक रैम के जो सिंबल दिखाया जाता है उसमें ये वाले सिम्बल्स होते हैं सो so, आइए देखें डायग्राम में एक 16 किलो बाइट स्टैटिक रैम का सिंबल दिखाया गया सिक्सटीन uh, किलो बाइट रैम को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको 14 एड्रेस लाइंस चाहिए जो फार्मूला है 2 रेस टू पावर n सो 2 रेस टू पावर 14 हो इससे आपके पास 16 किलो लोकेशंस यूनिक एड्रेसेस आ जाते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड पे A0 से लेके A13 जो हैं चौदह एड्रेस लाइंस शो कर रही हैं ये ऑफकोर्स कनेक्ट होंगी एक्सटर्नल एड्रेस बस के साथ एड्रेस बस कनेक्टेड है माइक्रोपोसर की एड्रेस लाइंस के साथ सो माइक्रोपोसर इन्हीं एड्रेस लाइंस पे एड्रेस भेजेगा जिससे हम एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और उधर हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे बाई डायरेक्शनल डाटा लाइंस दिखाई गई हैं क्योंकि एट बिट्स स्टोर हो रही हैं एक लोकेशन पर तो जब भी आप रीड करेंगे या राइट करेंगे एट बिट्स एट अ टाइम करेंगे अब क्योंकि रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं वेरफोर जो डाटा लाइन्स हैं उनको बाई डायरेक्शनल दिखाया गया नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे तीन कंट्रोल सिग्नल्स दिखाए गए हैं चिप सेलेक्ट बार राइट इेबल बार एंड आउटपुट इनेबल बार तीनों एक्टिव लो सिग्नल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि ये एक्टिव लो हो एक्टिव हाई भी हो सकते हैं जनरली एक्टिव लो सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं चिप सेलेक्ट सिग्नल जो है ये ओवरऑल पूरी मेमोरी चिप को सिलेक्ट करता है मेमोरी अरे जो है वो सिलेक्ट होती है और एड्रेस डी जो है इंटरनल एड्रेस डी जो है उनको सिलेक्ट करता है राइट इेबल सिग्नल जो है ये इन्फॉर्मेशन राइट right जब कर रहे हैं मेमोरी को उसको एक्टिवेट करता है लैच जो है उसको एक्टिव कर देता है ताकि इन्फॉर्मेशन राइट हो जाए आउटपुट इनेबल जो है वो ट्राई स्टेट बफर को कंट्रोल कर रहा है जब भी हम इन्फॉमेसन इस रैम से पढ़ना चाहेंगे तो आउटपुट इनेबल को एक्टिव होना चाहिए अभी हमने एक सिक्सटीन के इंटू एट बाइट जो स्टैटिक रैम है उसका सिंबल देखा डिफरेंट सिग्नल्स देखे आइंदा लेक्चर में हम मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे स्पेशली हम देखेंगे कि जो रीड इन्फॉर्मेशन और रीड राइट इन्फॉर्मेशन जो है ये कैसे होती है और सीक्वेंस क्या है रीड साइकल्स और राइट साइकल्स को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट हम जब डिस्कशन स्टार्ट करें तो वो फॉलो करना ज़रा आसान हो जाए खुदाफ़ असल